गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में हम डबल सर्कुलेशन तक पढ़ चुके थे। डबल सर्कुलेशन क्लियर था सबको? सर एक बार रिपीट कीजिए ना उसी को। जी डबल सर्कुलेशन को देखो, सर। डबल सर्कुलेशन को मैंने बहुत सिंपल तरीके से कैसे समझाया था तुम्हें, मैंने एक बॉक्स जैसा आर्ट बना लिया था जिस टाइप से। ये एट्रियम है राइट वाला, ये लेफ्ट वाला एट्रियम है, ये राइट वाला वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। अब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहां पर जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है? लेफ्ट वाले में बाइकस्पिड वॉल और राइट वाले में ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट वाले में बाइकस्पिड वॉल और राइट वाले में ट्राइकस्पिड होता है, ऐसा ध्यान है। बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते थे। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ओपनिंग होगी सेमिलिनर वॉल्व होगा, यहाँ पे एओर्टा निकलेगा। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से क्या बाहर निकलेगा बोलो? ये तो एओर्टा, राइट वेंट्रिकल से जो ट्यूब निकल रही है, जो आर्टरी निकल रही है, मेजर आर्टरी एओर्टा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को लेके कौन आता है? राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को कौन लेके आता है? वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, तो वेना केवा। और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड को लेकर के कौन आता है बताओ? पल्मोनरी वेन। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चे? जी सर। अब पल्मोनरी वेन से जहां पे ब्लड आया, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से सॉरी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकला एओर्टा से होते हुए और कहां पर जाएगा? किसको सप्लाई करेगा? टिश्यूज को। टिश्यूज को। यानी यहां से ब्लड लेकर के एओर्टा जो है वो ब्लड को लेकर के गया और इसने किसको सप्लाई कर दिया? इसने टिश्यूज को, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया। अब बॉडी में से जब हर एक टिश्यू ऑक्सीजन ले लेगा तो वो ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाएगा कि नहीं? तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा वेना केवा के थ्रू, और वेना केवा इसको कहां पर लेकर के जाएगा बताओ? राइट आरटीएम। राइट एट्रियम के अंदर। ये देखो राइट एट्रियम के अंदर आ गया। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और राइट वेंट्रिकल जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इस ब्लड को कहां पे पहुंचाएगा? लंग्स के अंदर। ये कहां पर चला गया? ये चला गया लंग्स के अंदर। लंग्स में क्या होगा? ये ऑक्सीजन ले लेगा, कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, वहां से ऑक्सीजन लिया इसने, और ऑक्सीजन लेने के बाद में अब क्या बन गया? ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस से ले जाके और लेफ्ट एट्रियम में छोड़ने का काम किसका होगा? पल्मोनरी वेन का। वेन वापस हार्ट में लेके जाती है, तो ये लेके आ गई। तो इस तरीके से क्या हो गया? दो सर्कुलेशन चल रहा है। कौन सा? ये वाला जो सर्कुलेशन है, इसे हम क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट इज सिस्टेमिक हार्ट। और राइट वाले को क्या बोल दोगे? इस वाले सर्कुलेशन को क्या बोल दोगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। तो राइट वाला जो है वो पल्मोनरी हार्ट हो गया। तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है। हो गई क्लियर बात? यस सर। थैंक यू सर। सर एक हाँ बार कार्डियक साइकिल को बताओ ना।
कार्डियक साइकिल फिर से देख लो, कोई बात नहीं सर। कार्डिक साइकिल में मतलब जो स्ट्रोक वॉल्यूम और जो है ना, हाँ स्ट्रोक वॉल्यूम है वो मतलब कौन से वैल्यू को बता रहा है ये समझ नहीं आ रहा था। स्ट्रोक वॉल्यूम बता रहा है कि एक बार में जो हमारा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है सपोज, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप कर रहा है तो कितना, एक बार जब हार्ट ने बीट किया तो कितना ब्लड बाहर निकला। सर लेफ्ट की राइट, लेफ्ट वाला बच्चे सर लेफ्ट राइट होगा ना। कार्डियक आउटपुट जो होगा तो उसमें ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारी बॉडी में ना। कार्डियक आउटपुट के बाद में ब्लड जो है वो कहाँ पे जाना चाहिए, बॉडी के अंदर कि नहीं। देखो ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में पंप हो रहा है किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। तो जब हार्ट बीट कर रहा है ये यही सर्कुलेट हो रहा है दो बार, ये यहाँ पर ही आएगा फिर लंग में जाएगा वही वापस आएगा। तो एक बार में बॉडी के अंदर कितना जाएगा जो इसके अंदर आ रहा है वो, इसके अंदर एक बार में कितना ब्लड पंप होता है, एक बार में 70 ml। 70 इसको हम बोल देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो मिनट, एक मिनट में यदि हम कैलकुलेट करें तो कितने बार चल जाएगा ये, 72 इंटू करेंगे है ना, इंटू कर दोगे ठीक है। एक मिनट में कितनी बार बीट करता है तो लगभग मैंने बताया था 5 लीटर के आसपास कार्डियक आउटपुट आ जाता है, ठीक है ना। कितना हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रहा है, किसके अंदर, जो भाई मेनली तो पूरी बॉडी के ऑर्गन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे ना सर। एक न्यूमेरिकल डालो उसको, बताओगे क्या लास्ट 19 का था, बन नहीं रहा था। एक काम करो तुम मुझे भेज दो व्हाट्सएप है ना, मैं बता दूंगा। हाँ भेज ना, वो पर्टिकुलरली तुमको दिक्कत है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो आगे पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। चलो आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो देखो कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन की बात करें तो ये सबको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो कैसा है, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। और यहाँ पर SA नोड जो है वो अपना हार्ट बीट खुद जनरेट कर रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, पेसमेकर। तो ये अपना हार्ट बीट जो है वो खुद जनरेट कर रहा है। तो फिर कंट्रोल की क्या बात है, कंट्रोल की बात आ गई कि बाय चांस कभी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाए ब्लड की, कभी कम हो जाए, ऐसा सब हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लो एक्सरसाइज कर लिया, तो अब एक्सरसाइज कर लिया बॉडी को सपोज ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई कि मतलब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड पंपिंग ज्यादा हो, तो उस केस में कोई तो हो जो इसको बताए ऐसे नोड को कि भाई बीट जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करो या कब स्लो करना है कब फास्ट करना है, ऐसा सब होना चाहिए। तो वही है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो ये रेगुलेशन कौन करता है, दो टाइप का रेगुलेशन, कौन कौन सा, दो टाइप का, टू टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, कौन सा, एक तो है बाय नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेशन हो सकता है, और दूसरा हार्मोनल रेगुलेशन। अब नर्वस सिस्टम के अंदर जो कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर होते हैं वो कहां पर होते हैं, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज के सेंटर है ना, मोस्टली हम कहां पर देखते हैं, कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर्स आर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो यहां पर सेंटर प्रेजेंट है। अब ये सेंटर क्या करेगा, ये सेंटर जब रिक्वायरमेंट होगी तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, और जब जरूरत पड़ेगी कम करने की तो कम करेगा। तो उसके लिए दोनों टाइप के जो हमारे यहाँ पर सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, वो काम करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, ये कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। या सिंपल सी बात करूं, किसको इंक्रीज करेगा कार्डियक एक्टिविटी में, किस किस को इंक्रीज करेगा,
हार्ट रेट को, हार्ट रेट जो है उसको इंक्रीज करेगा और कॉन्ट्रेक्शन भी ज्यादा करवाएगा, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो भी बढ़ेगा, दोनों काम करवाता है, यानी प्रेशर भी बढ़वाएगा और रेट भी बढ़वाएगा, दोनों काम करेगा, ज्यादा भी कॉन्ट्रेक्शन होगा और जल्दी जल्दी भी होगा, इससे सिंपैथेटिक स्टिमुलस से। यदि हम पैरासिंपैथेटिक की बात करें, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, तो ये क्या करता है, ये उल्टा करता है, क्या करेगा, डिक्रीज करवाएगा किसको, हार्ट रेट, हार्ट रेट डिक्रीज करवाता है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, किसके थ्रू, कौन सी नर्व के थ्रू, पता है, वेगस नर्व। कई बार क्वेश्चन आता है कि यदि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करे तो हार्ट रेट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, कम हो जाएगा। हम लोग जब खुश होते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर पैरासिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम कर रहा होता है, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो ज्यादा काम कर रहा होता है। यानी जब तुम बहुत दुखी होगे, डर लग रहा है, भयानक दुख है, परेशानी में हो, तो हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, और जब खुश होते तब रिलेटिवली कम होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में बैलेंस रहेगा, ये दोनों सिस्टम जो है वो क्या, इनका काम क्या है, हार्ट रेट को नॉर्मल रखना। यदि मान लो हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है, वेगस नर्व को कट कर दिया, क्या होगा, हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है और वेगस को कट कर दिया, क्या होगा, हार्ट रेट कभी कम ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कट कर दिया ना वेगस को, कुछ नहीं होगा, क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है, एसए नोड की जिम्मेदारी है हार्ट बीट प्रोड्यूस करना। लेकिन बाय चांस कभी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई तो फिर उसको कम कोई नहीं कर पाएगा, तब वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, समझ गए क्या, यस, ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन की बात करते, तो बहुत सारे हार्मोन है, उनका भी इफेक्ट होता है किसके ऊपर, हार्ट रेट के ऊपर, जैसे जैसे एड्रिनलिन, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन क्या करता है, ये हार्ट रेट को बढ़ाता, डिक्रीज करता है, ऐसे ही नॉरएड्रेनालिन क्या करता है, बढ़ाएगा कि घटाएगा, नहीं बढ़ाता, यस, ये दोनों भाई हैं, एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन भाई भाई होते हैं। यदि मैं थायरोक्सिन की बात करूं, थायरोक्सिन हार्मोन, ये भी क्या करता है, हार्ट रेट को, ये भी हार्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, तो कार्डियक और हार्मोनल रेगुलेशन होता है, सॉरी नर्वस और हार्मोनल रेगुलेशन होता है, तो ध्यान रखना सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है या कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाता है, पैरासिंपैथेटिक जो है वो उसे कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ब्लड प्रेशर, बीपी, बीपी के बारे में थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए, बहुत कॉमन आजकल हम देखते हैं बीपी बढ़ा हुआ होना, कम हुआ होना। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर है हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रहा है उस टाइम पे आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर लगता है वो ब्लड प्रेशर है, दिस इज द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ हार्ट। तो हार्ट जब पंप करेगा, सिस्टोल करेगा, तो ब्लड तेजी से आर्टरीज में जाएगा, एक प्रेशर होगा ज्यादा सा, फिर धीरे से जब वो डायस्टोल करेगा तो प्रेशर कम होगा, तो कुछ एक फ्लक्चुएशन चलेगा, एक ऊपर वाला प्रेशर होगा और एक नीचे वाला प्रेशर, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल बीपी सबको पता होगा मुझे लग रहा है, कितना होता है सर, 80 से 120 नहीं, 90 से 140 नहीं, जो नॉर्मल बीपी हम तुम मेजर करें तो वो आएगा अराउंड 120/80 mm of Hg, ये नॉर्मल है अभी, मतलब एक एवरेज, एवरेज वैल्यू, रेंज कितना है नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो होता है ये होता है सिस्टोलिक, जो बढ़ा हुआ है वो ज्यादा आ रहा है, ज्यादा है वो तो सिस्टोलिक होगा, और जो कम है वो क्या होगा, वो डायस्टोलिक होगा,
तो हमें जब कोई पूछेगा नॉर्मल रेंज, तो फिर पूछोगे कि किसका नॉर्मल रेंज, सिस्टोलिक का नॉर्मल रेंज की डायस्टोलिक का नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी का नॉर्मल रेंज कितना कितना होगा, 100 से लेकर के 140 ये नॉर्मल रेंज। ऐसे यदि हम बात करें नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक बीपी तो कितना होगा, 72-90 mmHg। कुल मिलाकर के जब हम हाइपरटेंशन की बात कर लें, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है हाई बीपी, बीपी का बढ़ जाना हाइपरटेंशन। तो जब हम हाइपरटेंशन की बात करें तो उस टाइम पे बीपी कितना होगा, सिस्टोलिक 140 से ज्यादा और डायस्टोलिक 90 से ज्यादा, उसे बोल देंगे हम हाइपरटेंशन। ऐसे यदि हम हाइपोटेंशन की बात करें, बीपी का कम हो जाना, लो बीपी हो जाएगा, कितना, सिस्टोलिक 100 से कम हो जाए, डायस्टोलिक 70 से कम हो जाए, तो इसे बोल देंगे हम हाइपोटेंशन। ठीक है, तो बीपी का बढ़ जाना हाइपोटेंशन, बीपी का कम हो जाना हाइपोटेंशन। अपर रेंज जो है कई बार वो हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम ज्यादातर केसेस हाइपोटेंशन वाले देखते हैं, तो 140/90 ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है। एज के साथ में क्या होता है, बीपी थोड़ा बढ़ता, मतलब ये हमारे अंदर होगा तो एज बढ़ेगी तो ये इससे थोड़ा ज्यादा आने लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापते कैसे, ब्लड प्रेशर को हम कैसे नापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से। यस, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट से हम नापते हैं, एक कफ होता है यहाँ पे लगा देते हैं, बलून जैसे होते हैं उसे पंप करते हैं, हवा भरते हैं, क्या होता है यहाँ पर जो आर्टरी है उसमें क्या होगा, उसमें जब यहाँ पर बाहर हमने कफ बनाया है और उससे प्रेशर दे रहे हैं, तो जैसे जैसे ये फूलेगा तो क्या होगा, हमारी आर्टरी दबेगी, आर्टरी दबेगी तो ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे ही खुला, जैसे मान लो ये इधर प्रेशर, मान लो यहाँ पर प्रेशर आ रहा है कितना, यहाँ पर प्रेशर आ रहा है 120 सिस्टोलिक, तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही 120 से ज्यादा होगा तो ये बंद हो जाएगा कि नहीं, फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे रिलीज करना स्टार्ट किया प्रेशर। जैसे ही यहाँ 120 से कम हुआ, 120 या उससे कम हुआ, 119 हुआ, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम के लिए ये खुल जाएगा। आई बात समझ में भाई, ये प्रेशर जो है अंदर 120 है, बाहर कितना हो जाएगा, ये ओपन हो जाए 119 हो जाते, खुल जाएगा, है कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पर प्रेशर जो है उसकी वजह से जब हमने बाहर ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो बंद हो गया था, और अब हम क्या करें, स्टेथो लगा के सुन रहे हैं तो क्या हुआ, 120 से ज्यादा प्रेशर बाहर था तो आवाज नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही 120 से कम प्रेशर होगा तो यहाँ पे झटके में खून बहेगा, झटके में बहेगा, क्यों, क्योंकि ये ओपन होगा फिर क्लोज होगा भाई, ये 120 कांस्टेंट नहीं है, ये फिर क्या होगा, ये कम भी होगा, 80 तक जाएगा, तो जैसे ही 119 से कम हुआ ये वापस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन क्लोज होता रहता है तो आवाज आती है, तो जहां तक आवाज आ रही है एक अपर पॉइंट मिलेगा हमें और एक लोअर पॉइंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि 80 से कम यदि होगा बीपी तो फिर आवाज आनी बंद हो जाएगी, परमानेंटली ओपन रहेगा। तो ये दो साउंड के बीच का जो प्रेशर होता है ना, उसकी अपर लिमिट जो है वो मुझे बता देगी क्या, कि सिस्टोलिक कितना है, और लोअर लिमिट जो है बता देती है डायस्टोलिक क्या होती है। ऐसे काम करता है स्फिग्मोमैनोमीटर। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, डॉक्टर सर कॉलेज में पता चल जाएगा, फर्स्ट ईयर में तुम करोगे सब कुछ सब आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक ग्रॉस आइडिया होना चाहिए, हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है तो आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वैल्यू मैक्सिमम जो रेंज है वो 140/90 है, नॉर्मली हम 120/80 देखते हैं। चलो अब देखो इसके बाद में डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में देख लेते हैं। हाइपरटेंशन मैंने तुमको बता ही दिया, तो बता दिया अभी। वेरिकोज वेन क्या होता है, वेरिकोज वेन क्या होता है, यदि कोई आदमी लंबे टाइम तक खड़े रहने वाला काम करता है, या जैसे कोई रिक्शा चला रहा है, रिक्शा चलाने वाला आदमी है, तो क्या होता है, उसके अंदर ज्यादा प्रेशर की वजह से
क्या होता है, वेन के जो वॉल्व्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। देखो जैसे मान लो सपोज ये लिम्ब है, मान लो ये पैर है, और यहां पर मैंने क्या देखा कि वेन वगैरह हो, यहाँ पर वेन है। अब हमने क्या देखा कि ये वेन जो है इसका काम क्या है, इसका काम है ब्लड को ऊपर लेके जाना, होता है कि नहीं। अब नीचे से कोई ब्लड को ऊपर की तरफ पुश तो कर नहीं रहे, कर रहा है क्या भाई? ब्लड इसके अंदर कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो इसको बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं। वॉल्व जो है वो बैक फ्लो को रोकेगा, यानी ये वेन है ये इसका सपोज ये वेन है ठीक है, और ये इसका वॉल्व है। पैर में कोई प्रेशर से तो ब्लड को ऊपर भेज नहीं रहे, यहाँ पे जो मसल्स वगैरह हैं वो कांटेक्ट करेंगे तो उसके पुश से क्या होगा, ब्लड ऊपर जाएगा। और यदि ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे ये वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, तो ब्लड का फ्लो जो है वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनली होगा और नीचे बैक फ्लो नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? अब यदि कोई रिक्शा वाला है या कोई आदमी जो लंबे टाइम तक काम करता है, खड़ा रहता है, उसके वेन्स में प्रेशर ज्यादा आने की वजह से ग्रेजुअली क्या हुआ, ये वॉल्व खराब हो गया, ये वॉल्व खराब हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये ब्लड को ऊपर भेजना चाहता है लेकिन वॉल्व बैक फ्लो रोक रहा था, बैक फ्लो को कोई नहीं रोकेगा, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे ब्लड जो है वो इकट्ठा हो और ये वेन क्या हो जाएगा, फूल जाएगी। तो स्वेलन एंड टॉर्चुअस veins are present in limbs. तो क्या देखा हमने, लोअर लिम्ब जो है वहां पर मोस्टली ऐसे टॉर्चुअस मतलब टेढ़े मेढ़े टाइप के, ऐसे सांप जैसे फूले वैसे वेन अलग ही दिख जाते हैं, इस टाइप का जो वेन होता है उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन, मेनली वॉल्व के प्रॉब्लम की वजह से ऐसा है। क्लियर है बात? ठीक है क्या? यस सर। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या डिफरेंस है? एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्लाक इन आर्टरीज, क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्यों होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन आर्टरीज। अब ये क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एज रिलेटेड फैक्टर है, मतलब कोई आर्टरी है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक मसल लेयर है, बताया था मैंने तुमको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे क्या है, मसल लेयर है। अब यदि वहां पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए, कैल्शियम सॉल्ट वगैरह डिपोजिट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, यानी ये एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। अब क्या हुआ इस केस में, भाई ये ब्लॉक नहीं कर रहा है डायरेक्टली, ये क्या कर रहा है, ये जो ल्यूमेन नैरो है वो उतनी रह गया, वो ब्लड फ्लो करते टाइम आर्टरी जैसा भी हमको पल्स फील हो रही थी, क्या होना चाहिए, डिस्टेंड होना चाहिए, कभी फूलना चाहिए कभी नहीं फूलना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा है, एक फिक्स साइज का हो गया। तो अब ब्लड फ्लो करेगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, इसके फट जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वाला जो केस होता है उसमें ये स्टिफ हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, स्टिफ आर्टरी। जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर हम देखते हैं कि सपोज ये आर्टरी है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर प्लाक जमा हो जाता है जिसकी वजह से ल्यूमेन जो है वो क्या हो जाता है, नैरो, जिसकी वजह से प्लाक या एथेरोमा जो है उसे बोलते हैं प्लाक एक्यूमुलेशन, जो एलडीएल वगैरह है वो इन चीजों को प्रमोट करती है। ठीक है, तो समझ गए, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब आर्टरी के अंदर कुछ जमाव हो जाना जिसकी वजह से ल्यूमेन नैरो हो सकती है या पूरी तरीके से ब्लॉक भी हो सकती है, लेकिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, एज के साथ आर्टरी जो है वो ज्यादा स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्लियर हो गई बातें दोनों?
वही क्या क्लियर? हाँ सर। ठीक है, अब देखो हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर हार्ट ब्लॉक एंजाइना या हार्ट अटैक क्या होता है? देखो हार्ट अटैक सबसे कॉमन है जो तुमने सुना होगा, उसको हार्ट अटैक आ गया है ना, बहुत कॉमनली सुना है। क्या होता है उस टाइम पे, तुमको पता है उस टाइम पे सीने में दर्द होने लग जाता है पेशेंट को एकदम, और ना क्या होता है एंजाइना, एक्चुअल में एंजाइना का अटैक है। क्या होता है, मेनली कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जो है उसके ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है हार्ट अटैक आता है। क्यों, क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई ऑफ मायोकार्डियम डिक्रीजेस। यदि कहीं पे ब्लॉक है कोरोनरी आर्टरी में तो क्या होगा, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मसल जो है कार्डियक मसल जो है वो क्या होने लग जाएगा, स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग, क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग। इसको क्या बोलते थे, इस कंडीशन को नॉन एज MI, क्या बोलते हैं इसको, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, समझ गए क्या, ये एंजाइना नहीं है, ये तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है जिसमें हमने क्या देखा, मसल धीरे धीरे क्या हो गया, डीजेनरेट। अब इसी की वजह से क्या होता है एंजाइना। अब कभी क्या हुआ, मसल जो है वो डीजेनरेट हो रही है, हार्ट पूरी तरीके से पंप नहीं कर पा रहा, और उसी टाइम पे क्या हुआ, उसी टाइम पे कोई बैड न्यूज सुन ली या कुछ झटका लग गया या मतलब कोई टेंशन हो गई या बॉडी के ऊपर प्रेशर ज्यादा आ गया, तो हार्ट को उस टाइम पे ज्यादा ब्लड चाहिए, तो क्या ये उस ब्लड की डिमांड को आप सप्लाई कर पा रहे क्या ब्लॉकेज की वजह से, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, हार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा और उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या होगा, ये तो हो गया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और इसकी वजह से क्या हो रहा है एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस इस टाइम पे क्या होता है, अब ये ग्रेजुअल प्रोसेस चल रही है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और एंजाइना जो है वो क्या है, वो एक अटैक है, जिस टाइम पे क्या होता है, जिस टाइम पे चेस्ट पेन या टाइटनेस होती है, चेस्ट जो है उसमें दर्द होगा या फिर टाइटनेस हो जाएगी, चेस्ट खींचा के जैसे लगेगा जिसने दबा दिया है वैसा हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट शोल्डर, जॉ, ठीक है, लेफ्ट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब, बैक लेफ्ट साइड में, इन सब में पेन जो है वो हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम आते हैं पेशेंट को, जल्दी से ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट जो है या आइसोसॉर्बेट वगैरह जो उसकी टेबलेट जो है उसको टंकी नीचे रख दिया जाता है, ताकि वो क्या करती है, वो आर्टरीज को थोड़ा, कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करती है थोड़ा सा, ठीक है, तो इन सबसे फिर रिलीफ आता है। तो MI और एंजाइना में डिफरेंस पता पड़ गया क्या, MI जो है वो क्या है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस में मसल खराब हो रहे धीरे धीरे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से, और उसकी वजह से जब अचानक से अटैक आ जाता है, चेस्ट पेन वगैरह और ये सब होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बोल देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्लियर हो गई बात सर? सर फीमेल की तुलना में मेल में मतलब ज्यादा हार्ट अटैक होता है, ऐसा कुछ होता है मतलब क्या कि ऐसा होता है तो अभी तक मैं जितना भी केस सुना होना वो सिर्फ वो देखो वो थोड़ा थोड़ा सेक्स के ऊपर, मेल फीमेल के जो सेक्स है उसके ऊपर कई बार डिपेंड करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, फीमेल ज्यादा एफिशिएंटली इसको मतलब जो डिपोजिशन है फैट वगैरह का उसमें उसको कंट्रोल कर पा रही है, इसलिए फीमेल में कम हो रहा है, ठीक है, प्रिवेलेंस जो है वो मेल में ज्यादा होता है, ये ध्यान। हार्ट ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, ब्लॉक का मतलब हुआ कि SA नोड है, AV नोड है, और इससे आगे फिर और जो हार्ट को क्या करे सप्लाई कर रहे हैं मसल्स को, ताकि इंपल्स जो है वो मिले और कॉन्ट्रेक्शन हो, तो यदि ये सप्लाई ब्लॉक हो जाए, यानी इंपल्स जो है वो SA नोड से AV नोड तक ना पहुंच पाए, या ब्लॉकेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंपल्स, ठीक है, मोस्टली हम कहाँ देखते हैं, मोस्टली हम AV SA और AV नोड के बीच में देखते हैं, तो उसको ही क्या बोल दोगे,
इसको ही बोल दोगे हार्ट ब्लॉक। क्लियर हो गई बात? हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड। यदि हार्ट ब्लड को पंप ना कर पाए इसको हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी बोलते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता, हम उसे हार्ट फेलियर वाली कंडीशन बोल देते हैं। क्लियर हो गई बातें? एक होता है हार्ट, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, ऐसे नोड जो इम्पल्सी जनरेट ना करे तो क्या बोल दोगे, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे मिलते जुलते से टर्म होते हैं। हार्ट फेलियर मतलब ब्लड का पंप होना फेल हो जाए, हार्ट ब्लॉक मतलब इम्पल्स का कंडक्शन ब्लॉक हो जाए, एंजाइना या हार्ट अटैक जो होता है वो होता है चेस्ट पेन, टाइटनेस वगैरह, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से। ठीक है सर? हाँ बच्चे। सर जो टी वेव होता है ना उसका जो शेप है वो उल्टा हो जाता है, तो वो कौन से कंडीशन में होता है? वो एम आई वगैरह में होता है, एम आई के जो सीवियर केस होते हैं ना बाद में उसमें उल्टा हो जाता है, टी वेव, इन्वर्टेड टी वेव आने लग जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसको कोरोनरी इस्कीमिया ऐसा भी बोलते हैं क्या? हाँ यही तो हो रहा है ना। मैं क्या, वो इस्कीमिया का मतलब क्या, ऑक्सीजन कम मिलना, तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो उससे क्या हुआ, उससे कोरोनरी इस्कीमिया हो गया। हाँ सर ठीक है ना, सेम ही बात है ना। थैंक यू। ठीक है चलो, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सर वो निवाहिका तंत्र तो नहीं बताए, यकृत निवाहिका तंत्र? निवाहिका तंत्र बता दूं क्या? हाँ सर उसको बता दूं। बता एक मिनट। चलो एक पॉइंट और देख लो, पोर्टल सिस्टम क्या होता है। पोर्टल सिस्टम दिख रहा है सबको? देखो पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जहां पर हम देखते हैं कि ऐसा सिस्टम जहां पे जो स्टार्ट भी कैपिलरी से होता है एंड भी कैपिलरी से होता है। नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली हम देखते हैं कि आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके आएगी और वेन जो है वो ब्लड को लेके जाएगा हार्ट तक। बीच में क्या होगा, बीच में कैपिलरी का नेटवर्क, जैसे सपोज हार्ट बना लेते हैं, यहां पर क्या होता है नॉर्मली, नॉर्मली देखते हैं हम कि जो एओटा है वो ब्लड को लेकर के जा रहे हैं कहां पर, बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर। फिर क्या होगा, किस जिस भी ऑर्गन को सप्लाई करनी है वहां पर ये क्या होगा, वहां पर ये डिवाइड हो जाएगा कैपिलरीज के अंदर कुछ इस तरीके से, ये कैपिलरीज वापस से फ्यूज हो जाएंगी और क्या बना देगी, वेन। ये वेन जो है वो वापस से ब्लड को हार्ट तक पहुंचा देगा। बहुत ही खराब डायग्राम बना दिया। ठीक है चलो कोई नहीं, तुम एक बार ये समझ लो। तो नॉर्मली स्टार्ट तो मेजर वेन वगैरह से, मेजर आर्टरी या वेन से हो रहा है और एक दूसरा एंड जो होगा वो होगा क्या, कैपिलरी। यानी एक एंड पे क्या होती है हमेशा, मेजर आर्टरी या फिर वेन, और दूसरे एंड पे क्या होता है, कैपिलरी। ये नॉर्मल है, बट कहीं पे तुम्हें ऐसा दिखाई दे कि एक एंड पे कैपिलरी और दूसरे एंड पे भी कैपिलरी, यहां पर भी कैपिलरी और दूसरे एंड पे भी कैपिलरी, यदि ऐसा दिखाई दे तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, पोर्टल सिस्टम। समझ गए क्या? मीन्स This
is the system of blood vessels that starts with capillaries and ends with capillaries. Start भी capillaries से हो रहा है और end भी capillaries से ही हो रहा है, तो ऐसे system को हम क्या बोल देते हैं? Portal system. कैसे? हमारे अंदर जैसे hepatic portal system. क्या कौन सा system है? Hepatic portal system. तो hepatic portal system कैसे काम करता है? Suppose ये liver है, ठीक है? अब और यहां पर है मान लो intestine. ये intestine है. अब क्या हुआ? अब मैंने देखा intestine को supply कर रहा है कौन? Blood लेके आने का काम कौन करता है? Artery. मान लो ये है inferior या इन्फीरियर नहीं बोलेंगे, डिसेंडिंग डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा है. तो डिसेंडिंग एओर्टा क्या करेगा? सप्लाई करेगा पूरे इंटेस्टाइन को, करेगा कि नहीं? कुछ इस तरीके से. अब जब डिसेंडिंग एओर्टा सप्लाई कर रहा है किसको? इंटेस्टाइन को. तो ब्लड को कलेक्ट करके वापस ले जाने का काम की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? वेन की. यस, इन्फीरियर वेना केवा की? इन्फीरियर वेना केवा. लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां से जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है, कैपिलरीज वापस से ब्लड कलेक्ट करेगी, वेन बनाएंगी. तो जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है, ये ब्लड अब वेना केवा में जाने के बदले में कहां चला गया? कहां चला गया? लिवर के अंदर. और लिवर में जाकर के वापस से कैपिलरी में डिवाइड हो गया. अरे ये तो कमाल ही हो गया कि वे जो यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा? भाई डाइजेस्टिव फूड तो है इसके अंदर, लेकिन ब्लड तो डीऑक्सीनेटेड टाइप का है. वैसा ब्लड जो है वो लेकर के चला गया कौन? पोर्टल वेन. और उसने जाकर के कहां पर छोड़ दिया? लिवर के अंदर. अब लिवर के अंदर ये कैपिलरीज में वापस से फ्यूज होकर के मेजर वेन बनाएगी और ये इसको लेकर के जाएगी इन्फीरियर वेना के. आई बात समझ में? सर लिवर में जाके क्या करता है? लिवर में जाकर के दे देगा न्यूट्रिएंट. भाई हमारे इंटेस्टाइन में जो भी खाना पचा है उसका काफी सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो तो लिवर में चलना है, तो लिवर को जाके दे दिया उसने. लिवर ने उसमें से जो भी चीजें हैं उनको यूज किया, एसिमिलेट किया और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था उसको वापस से भेज दिया इन्फीरियर वेना केवा में. तो यहाँ पर बीच में जो ये एक सिस्टम बना, इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं हम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम. तो स्टार्ट किससे हुआ? देखो कैपिलरी से. एंड किस पे हुआ? कैपिलरीज पे. तो ऐसा सिस्टम जो कैपिलरी से स्टार्ट होता है, कैपिलरी में एंड होता है, उसे हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं. और यहां पर क्या होता है? ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम वन ऑर्गन एंड ट्रांसफर टू अनदर ऑर्गन. एक ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट हुआ और दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर हो गया, डायरेक्टली वेना केवा में नहीं गया, डायरेक्टली मेजर वेन में नहीं गया. तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. इसके अलावा हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम होता है. होता है क्या? क्या होता है हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम? होता है क्या? नो सर. हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम जो ब्रेन है उसके अंदर जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां पर जो पोर्टल सिस्टम होता है उसे हम हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? कुछ और एनिमल्स वगैरह के अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम वगैरह भी देखने को मिलता है, ठीक है? तो पोर्टल सिस्टम का मतलब यही है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, एक मिनट.
ठीक है, इतने इसमें कहीं पे आप डाउट है क्या? नो सर, सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बुक में तो समझ ही नहीं आता। बच्चे इससे क्वेश्चन आते ही नहीं है ना, नीट में कहाँ आता है इससे क्वेश्चन, नीट में आता नहीं है। मैं तुम लोगों को थोड़ा, मैं तुमको ना अब थोड़ा सा लिमिटेड उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सर एनसीईआरटी में दिया है पोर्टल सिस्टम के बारे में? हाँ सर एनसीईआरटी में दिया, तभी तो मैं आपको पूछी। कहाँ पर दिया हुआ है? ओके तो ठीक है, तो पूछ मैं आपसे। ओके तो हो सकता है कि मैंने मिस कर दिया होगा। तो मतलब ये इतना जो मैंने तुम्हें बताया ना, इसमें क्वेश्चन ये ज्यादा से ज्यादा यही बन सकता है कि भाई पोर्टल सिस्टम क्या होता है। तो तुम बोल दोगे कि जो कैपिलरी से स्टार्ट हो कैपिलरी में एंड हो। नॉर्मली क्या होता है, किसी ऑर्गन को ब्लड एओर्टा सप्लाई करता है और इन्फीरियर वेना कैवा तक जाता है, बट यहाँ पर एक ऑर्गन से ब्लड जो है वो दूसरे ऑर्गन तक जाता है। फिर इसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है वो ये बन सकते हैं कि बताओ कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज्यादा होगा, कौन किसके अंदर प्योर ब्लड होगा, किसके अंदर इम्प्योर ब्लड होगा, ऐसा सब क्वेश्चन बन सकते हैं ना। ठीक है ना? हाँ सर थैंक यू। भाई देखो यहाँ पर मान लो सपोज मैं बोलूँ कि किसके अंदर यूरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, तो तुमको पता है लीवर में ऑर्निथिन साइकिल से यूरिया बनता है, तो ये इसके थ्रू वेन के थ्रू वापस ब्लड में आएगा, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, जो हिपेटिक वेन है उसके अंदर सबसे ज्यादा यूरिया होगा। ग्लूकोज वगैरह या न्यूट्रिएंट जो है उनका अमाउंट कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, तो भाई यहाँ पर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पोर्टल वेन जो है वो लेके जा रहे हैं, तो हिपेटिक पोर्टल वेन के अंदर ज्यादा होगा, इस तरीके से। ठीक है? हाँ सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करते थे। चलो एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं क्लोज कर देता। आज आपकी तरफ ज्यादा रोशनी है क्या कुछ? हाँ आज मैं लाइट वाइट सही करवाया, ठीक लग रहा है क्या? ये तो कुछ ज्यादा ब्राइट ब्राइट दिख रहा है एकदम। एक तो ऑलरेडी और एकदम और से ग्लो कर रहे हैं। सर ऐसा लग रहा है कि क्रीम वगैरह लगाए। यस सर ऐसा लग रहा है सर मेकअप किया आपने। ओके चलो अच्छी बात है, तो इतनी अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है आपको। हाँ चलो अच्छी बात है तो सर का तुमको। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बच्चे बोलो। सर जैसे हार्ट है वो राइट साइड में हो सकता है कि नहीं सर? देखो कुछ कुछ लोगों में ऐसे एबनॉर्मली डेक्स्ट्रो रोटेटरी हार्ट होता है, राइट साइड में होता है कुछ लोग। एक फ्रेंड है सर उसका है। हाँ हो सकता है ऐसा। मेरे घर में भी एक था तो। हाँ रेयर होता है ऐसा केस, लेकिन हो सकता है। दिख रहा है क्या तुम्हें स्क्रीन? मतलब मैं ही दिख रहा हूँ या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट वाली फाइल दिखने लगी? वो आप ही दिख रहे हो अभी तो। मैं ही दिख रहा हूँ क्या? हाँ एकदम ग्लो करते हो। ओके सर फेरल लवली का ऐड होता है ना, उससे भी ज्यादा बोरे लगते। क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मीटिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। वापस से लग रहा है स्टार्ट करना पड़ेगा। लग रहा है वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे सिस्टम में। कोरोना वायरस आ गया। हो गया हो गया, हो गया। तो फिर
ठीक है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या अभी? आ रहा है सर। हाँ आ गया ना। चलो चलो, सबसे पहले अब बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो सबसे पहले बताओ कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया, यूरिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया, यूरिया, ठीक है। यदि हम ग्रॉसली देखें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट ही नहीं है। यदि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो हमारे लिए या तो हार्मफुल है या वो एक्सेस में बन रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। और उनका एलिमिनेशन जो है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं या इनका एलिमिनेशन क्या होता है या एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इट इज द प्रोसेस बाय विच द मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक नाइट्रोजिनस कंपाउंड नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड एटसेट्रा कॉमा CO2 नॉन नाइट्रोजिनस एंड अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस आर रिमूव्ड नॉन एज एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉडी के अंदर जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बना इनको निकाल दिया। एक्सक्रीशन का मतलब है कि हो सकता है ग्लूकोज भी यदि हमारी बॉडी में एक्सेस में हो। ग्लूकोज तो हमारे लिए काम की चीज है, वेस्ट नहीं है, लेकिन यदि एक्सेस में है कौन से अदर सब्सटेंस लाइक जैसा भी मैं बोल रहा हूँ ग्लूकोज हो सकता है, वो सॉल्ट हो सकते हैं लाइक सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जो हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर यूजफुल भी है लेकिन यदि वो एक्सेस में है तो उन्हें भी बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्सक्रीशन। आगे बात समझे तो बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच द मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट कॉमा CO2 एंड अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस एदर हार्मफुल और एक्सेस आर रिमूव्ड नॉन एज एक्सक्रीशन। क्लियर हो गई बात सबको? तो यहां पर कुछ सब्सटेंस जो है लाइक CO2 एक्सक्रीशन जो है वो कहां से हो सकता है? वो अलग अलग बॉडी पार्ट से हो सकता है। लाइक CO2 इज एक्सक्रीटेड बाय, बताओ कौन एक्सक्रीशन कर रहा है इसका? लंग्स। सम ऑफ द मिनरल्स एंड वेस्ट्स कैन बी रिमूव्ड by sweating through skin, skin के through भी कुछ waste जो है उनका excretion हो सकता है, ठीक है। और nitrogenous waste की बात करें, most of nitrogenous waste are excreted through, किससे निकालते हैं? थ्रू किडनी इन ह्यूमन, पर्टिकुलरली ह्यूमन की बात कर रहा हूं। तो ह्यूमन के सेंस में ही एक बार अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक्सक्रीशन क्या होता है,
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब या वेस्ट का मतलब सिर्फ अमोनिया यूरिया ही नहीं है, अदर सब्सटेंस भी होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए काम की है लेकिन यदि वो जाते हैं तो उन्हें बॉडी से बाहर निकालना वो भी एक्सक्रीशन का ही पार्ट होगा, ठीक है, जैसे CO2 वगैरह है, कुछ आयंस वगैरह है, वाटर वगैरह है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई बात सबको। तो अब इसके बाद में ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली बात करते हैं कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो मेनली उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने टाइप के होते हैं, देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटाबॉलिक इसका माइक वो कर रहा है डिस्टर्ब, नेचर बनकर मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है उसके बेसिस पे यदि हम देखें तो ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, मेनली हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, थ्री मेन कैटेगरी, कौन कौन सी, एक हो सकता है अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक यूरियोटैलिक, यस, दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम बोलते हैं यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक, और तीसरा है जिसे हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक क्या है, एक्सक्रेटरी वेस्ट, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक, और इसको एक्सक्रीट करने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा पानी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। कहां से एक्सक्रेशन होगा, मोस्टली बॉडी सरफेस से या गिल से, ठीक है, एक्सक्रीटेड थ्रू गिल से, बॉडी सरफेस और गिल्स। तो जो हम प्लांट सॉरी एनिमल डाइवर्सिटी में जो स्टार्टिंग में जो भी एनिमल्स पढ़ रहे थे हम, जो पानी में ही थे मेनली, उन सब के अंदर कौन सी कंडीशन होती है, अमोनोटैलिक वाली कंडीशन होती है, तो प्रोटोजोन्स वगैरह जो हैं वो अमोनोटैलिक होंगे मोस्टली, पोरिफेरा सिलेंट्रेटा, ठीक है, एग्जाम्पल यदि हम इसमें देखें तो क्या हो सकता है, प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलेंटरेटा, ठीक है, प्लेटी हेलमेंथीस, ठीक है, ये सब कैसे हैं अमोनोटैलिक। इसके अलावा यदि हम एग्जांपल देखें किसका, जो इंसेक्ट में वो थे एक्वेटिक टाइप के, यानी क्रस्टेशियंस एक्वेटिक इंसेक्ट प्रॉन वगैरह जो थे उनके अंदर भी अमोनिया एक्सक्रेटरी वेस्ट होगा। और इसके अलावा फ्रेश वाटर फिश जो हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज जो हैं, या हम बोल सकते हैं इनको क्या, टिलोएस्ट बोनी फिशेज, तो फ्रेश वाटर फिशेज, तो इन सब के अंदर क्या होगा, एक्सक्रेटरी वेस्ट अमोनिया होगा, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी की बुक में क्या क्या दिया हुआ है, हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया है बोनी फिश वगैरह या फ्रेश वाटर फिश जो है वो होंगे, एक्वेटिक इंसेक्ट होंगे, ठीक है, और एक्वेटिक जो एक्वेटिक में एम्फीबियंस में भी यदि तुम देखते हो कौन, टेडपोल, वो भी लिख लो यहाँ पर एग्जांपल में, टेडपोल या एक्वेटिक एम्फीबियंस, तो ये सारे अमोनोटैलिक, थोड़ी ना आएगा इसमें क्या, मैक्सिमम तो यूरियोटैलिक में आएगा, यहाँ पर एक्वेटिक लिख लो या तो साथ में, तो तुम कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक्वेटिक वाले एक्वेटिक, अपने शायद एनसीईआरटी के अंदर प्लेटी एलिमेंट सिर्फ यूरियोटैलिक में दिया हुआ है क्या,
यस सर, और नॉर्मली भी ये परजीवी टाइप के होते हैं तो फिर यूरियोटेलिक आएगा ना। हाँ ज्यादा यूरियोटेलिक, सही है। चलो इसको यहाँ से मैं रिमूव ही कर दूँ। ठीक है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँ, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ फिर ऐसे ही ऑर्गेनाइज रोटिफर्स। रोटिफेरा के जो मेंबर होते वो अमोनोटेलिक एक्वेटिक टाइप के। ठीक है, अब देखो इसके बाद में यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में जो वेस्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा यूरिया। यूरिया जो होता है लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, और लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड और इसके एक्सक्रीशन के लिए। इनके पास मोस्टली क्या होता है, इनके पास मोस्टली किडनी जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉमनली फिल्टर्ड बाय किडनी और प्रोटोनेफ्रिडिया, और नेफ्रिडिया किडनी और नेफ्रिडिया प्रोटोनेफ्रिडिया ऐसे सब ऑर्गन्स जो हैं वो होते हैं जिनके थ्रू ये फिल्टर करता है। एग्जांपल क्या हो जाएगा यूरियोटेलिक का, यूरियोटेलिक कौन कौन होते बताओ? सर इसमें आएगा प्लैटी हेलमेंथ, मैमल्स होंगे। ठीक है, प्लैटी हेलमेंथ इज कॉमनली प्लैटी हेलमेंथ इज, देन इसके अलावा बोनी फिशेज जो है वो इधर आ गए, कार्टिलेजिनस या मरीन फिशेज जो है वो इसके अंदर आएंगे, मरीन फिशेस मोस्ट ऑफ। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके अलावा यदि एनलीड याद हो, अर्थवर्म, कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा, वो भी एनलीडा का, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक जो है वो किसको सिक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, और ये क्या है, लीस्ट टॉक्सिक, लीस्ट वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और मोस्टली हम इनके अंदर देखते हैं कि किडनी वगैरह जो प्रेजेंट होती है या फिर अदर कुछ ग्लैंड्स या एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो सकता है। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, बर्ड होते हैं यूरिकोटेलिक, और रेप्टाइल्स होते हैं यूरिकोटेलिक, और इसके अलावा यदि हम देखें इंसेक्ट होते हैं यूरिकोटेलिक, और क्या होते हैं, और लैंड स्नेल जो है होते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं वो ध्यान रखना, कौन अमोनोटेलिक होते हैं, कौन यूरियोटेलिक होते हैं, और कौन यूरिकोटेलिक होते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, तो अब इसके बाद में किस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कितने डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया और इसे फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं कुछ में, फ्लेम सेल्स। दूसरा है नेफ्रिडिया। तीसरे की यदि हम बात करें तो हो सकता है मालपियन ट्यूब्यूल। फोर्थ यहां पर ऑर्गन की बात कर लेते हैं, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड। और किडनी तो तुमको पता ही है, चलो बताओ प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो किसमें मिलेगा, प्लैटी हेलमेंथीज,
क्या प्लेटी प्लेनेरियम यस प्लेटी एलिमेंटिस देन इसके अलावा प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो रोटीफर्स में भी होता है रोटीफर्स देन सिफेलोकॉर्डेट्स उनके अंदर होता है ठीक है कुछ एनलीड्स में भी होता है सम एनलीड्स नेफ्रिडिया की बात करते हैं नेफ्रिडिया किसमें होता है कॉमनली एनलीडा के अंदर एनलीडा एनलीड्स जो है उनके अंदर अर्थवर्म वगैरह के अंदर नेफ्रिडिया कॉमनली प्रेजेंट होता है मालपीगियन ट्यूब्यूल किसके अंदर होता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट यस कॉकरोच इंसेक्ट यस मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट और ग्रीन ग्लैंड जो है वो किसके अंदर होते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर क्रस्टेशियंस प्रॉन वगैरह जो है उनके अंदर और किडनी जो है वो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके अंदर ऑल वर्टिब्रेट्स ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जनरल इन्फॉर्मेशन और हमारी एनसीईआरटी के बुक में इसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है तो ये कुछ कॉमन बातें वहां से मैंने तुम्हें बता दी है ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम देखो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है उसमें आता है क्या उसमें आते हैं ये सारे ऑर्गन्स क्या क्या इसमें आता है सर अटक गए क्या हाँ पॉज हो गए हैं यार एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ पता चला फॉर्म का नहीं चला है पता अभी तो पता नहीं लेकिन पेपर 1 अगस्त को होगा करके ऐसा कुछ न्यूज़ आया था ठीक है तो किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर और उसके अलावा क्या आ जाएगा उसके अलावा आ जाएगा यूरेथ्रा किडनी पैर में है यूरेटर भी पैर में है यूरिनरी ब्लैडर जो है वो सिंगल होगा यूरेथ्रा सिंगल होगा तो यहां पर हम डायग्राम भी देख पा रहे हैं देखो ये है क्या ये है किडनी किडनी के अंदर वो वाला पोर्शन जहां पर तुम देख रहे हो कि जो आर्टरी है ये तो क्या है ये वाला ये क्या है ये है एओर्टा डिसेंडिंग डिसेंडिंग एओर्टा ठीक है ये क्या है ये है इन्फीरियर वेना केवा किडनी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहां पर किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसका क्या नाम है एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड यस वेरी गुड ये है एड्रिनल ग्लैंड या इसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी ठीक है किडनी के ऊपर एक ग्लैंड भी है सुप्रारीनल और एड्रिनल ग्लैंड ठीक है अब यहां पर किडनी के अंदर ब्लड
ब्लड को लेकर के आना, ये ब्लड सप्लाई यहाँ पर किडनी के अंदर लेकर के आना और लेकर के जाना। आर्टरी वेन क्या बोलोगे इसे, इसे बोल दोगे रीनल आर्टरी, आर्टरी, और ये हो जाएगा रीनल वेन। जो इसका कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है जहां से ये एंटर होते हुए या बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, ये वाला, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, हाइलस, हाइलस या हाइलम, ये होता है हाइलस या हाइलम वाला पोर्शन। ठीक है, यहां पर ये जो मेजर और माइनर कैलिक्स वगैरह होता है, ये एक ऐसा फनल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में यहां से बाहर निकल रहा है, ये क्या है, इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस कंटिन्यू हो गया किसके अंदर, ये ट्यूब के अंदर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं यूरेटर। यूरेटर ओपन हो गया किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। इसके ऊपर वाली सारे स्ट्रक्चर जो है वो कैसे थी, पेयर में थी। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर किस में ओपन हो जाएगा, यूरिथ्रा में ओपन हो जाएगा। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है किसकी, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्लियर हो गई बात, इतनी बात क्लियर है। अब एक एक करके सारे जो पार्ट्स है ऑर्गन से उनको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले किडनी के बारे में देखेंगे, चलो देखते हैं किडनी। किडनी देखो, किडनी जो है वो सबसे पहले इसका शेप कैसा होता है, बीन शीट, कैसा होता है, सेम के बीज का आकार का होता है, बीन शेप होता है। कैसे कलर का होता है, कलर होता है जैसा दिख रहा है वैसे, रेडिश ब्राउन, हाँ लाल, yes, पूरा रेडिश जैसा दिख रहा है वैसे होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, साइज या पहले लोकेशन बताओ इसकी, कहां पर प्रेजेंट होता है बताओ, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे से लेकर के और थर्ड लंबर के बीच में प्रेजेंट होता है, T12 टू L3। ठीक है, साइज बताओ कितना होता है, साइज 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, और विड्थ कितनी, 5 to 7 सेंटीमीटर जो है वो विड्थ है। और यदि इसकी मोटाई बात करें, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस, ये साइज होती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बात है कि कहां पर है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्या होते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, देखो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब होता है कि पेरिटोनियम इसे एक ही साइड से कवर कर, कैसे एक ही साइड से कवर करिए बताते, मान लो कोई इंसान है, तो जिस तरीके से ये चेस्ट एब्डोमेन वाला पोर्शन मैंने बनाया, किडनी कहां पर होती है, पेट के आगे की तरफ, इस तरफ की, इस तरफ ये पीठ है, ये बैक है, इस तरफ बैक की तरफ, यहां पर क्या, यहां पर बॉडी वॉल है, हमारे जो शरीर है उसकी वॉल है, आगे भी बॉडी वॉल वगैरह है, तो ये बॉडी वॉल है पूरा। तो पेरिटोनियम कहां होता है, एक लेयर बॉडी वॉल पे और दूसरी ऑर्गन के ऊपर, बीच में कैविटी होती है। ठीक है, अब यहां पर किडनी जो है उसकी पोजीशन कैसी होती है, किडनी की पोजीशन ऐसी होती है कि ये पीछे वाली साइड से यानी कि डॉर्सल साइड से चिपका हुआ होता है किससे, बॉडी वॉल से चिपका हुआ है, पीछे वाली साइड से किससे चिपका हुआ है, बॉडी वॉल से। और आगे वाली साइड जो है उसके ऊपर जो कवरिंग है, अब यहाँ पर पेरिटोनियम है, मान लो ये पेरिटोनियम, पेरिटोनियल लेयर, तो पेरिटोनियल लेयर कहां पर है, सिर्फ इस वाले पार्ट, क्या हुआ, पेरिटोनियम यहां पर है क्या, नहीं है,
पीछे वाले पार्ट पे यानी डोर्सल पार्ट पे ये बॉडी वॉल से डायरेक्टली अटैच है और पेरिटोनियम जो है उससे एक ही साइड पे कवर है, कौन से साइड पे, वेंट्रल साइड पे। तो इस टाइप का जो कंडीशन होता है उस ऑर्गन को हम क्या बोल देते हैं, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। बाकी ऑर्गन क्या है, जैसे मान लो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन का क्या है, यहाँ पर भी पेरिटोनियम है, यहाँ पर भी पेरिटोनियम है कि नहीं, पैरेटल पेरिटोनियम, विसल पेरिटोनियम, और इसके बीच में क्या है, फ्लूड जो होता है, पेरिटोनियल फ्लूड जो होता है वो है। तो दोनों साइड पे पेरिटोनियम है, बट इस ऑर्गन में क्या हुआ, पेरिटोनियल कवरिंग जो है वो एक साइड पे तो है, दूसरे साइड पे नहीं है, कौन से, डोर्सल साइड पे नहीं है, वेंट्रल साइड पे होता है। ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। क्या बात क्लियर हो गई साहब, समझ गए क्या, क्यों रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि पेरिटोनियम इज प्रेजेंट ओनली ऑन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द किडनी, इट इज नॉट प्रेजेंट एट द डोर्सल पार्ट ऑफ किडनी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। अब स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं, देखो ये तो वही सुप्रारेनल ग्लैंड, अभी जो बात कर रहे थे हम एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो किडनी होता है, इस किडनी के ऊपर जो एक कवरिंग होती है, सबसे ऊपर जो एक कवरिंग होगी, इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल। हाँ, रीनल कैप्सूल, उसे बोल रहे हो, सबसे ऊपर जो कवरिंग होती है उससे बोल देते हैं हम रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के अंदर यहाँ पर कुछ रीनल फैट वगैरह जो होता है वो सब, फेसिया वगैरह ये सब कुछ प्रेजेंट होती है। हम एक जनरल टर्म जो है कवरिंग जो है उसके लिए कैप्सूल वर्ड यूज करते हैं, तो रीनल कैप्सूल। अंदर से किडनी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दिख रहा है सब बच्चों को, एक पार्ट पॉज हो गया। कितने अच्छे पॉज रहे हैं सर, सर स्टेचू स्टेचू मत खिलो ना और बोल दो फिर। लुका छिपी खेल रहे हैं, दिख तो रहे हैं भाई, कहाँ छिपे हैं सर, अरे गायब हो गया था ऑनलाइन लुका छिपी। यहाँ पर ये मेडुला वाला पोर्शन जो है वहां पर क्या देख रहे हो, पिरामिड्स हैं, कितने रीनल, उनको बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। कितना नंबर होता है रीनल पिरामिड्स का, 8 to 12। इन रीनल पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है और अंदर की तरफ धसा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम। यस, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बटिनाई, रीनल कॉलम ऑफ बटिनाई बोल देते हैं, ठीक है। ये जो रीनल पिरामिड है इसका टिप वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन जो प्रोजेक्टेड है उससे बोल देते हैं रीनल पैपिला। क्या बोल देते हैं, रीनल पैपिला, ठीक है। यहां पर ये जो रीनल पैपिला है वो ओपन होता है, ये ओपनिंग ऐसे इस वाले साइड की ओपनिंग, ये जो ओपनिंग होती है रीनल पैपिला की ठीक बाद वाली जो ओपनिंग है उससे बोलते हैं हम माइनर कैलेक्स, और जब ये फ्यूज होकर के बड़ा ओपनिंग बना देते हैं, अब देखो ये बड़ा ओपनिंग बन गया इनका, ये तीन माइनर कैलेक्स यहाँ पे मिलकर के एक बड़ी ओपनिंग बना रहे हैं, तो इसे क्या बोल दोगे, इसे बोल दोगे कैलेक्स। ये जो पैपिला ओपन होता है यहाँ पर एक डक्ट होती है और एक ओपनिंग होती है, कलेक्टिंग डक्ट के फ्यूज होने से बनती है ये डक्ट को क्या बोलते हैं, वेरी गुड बच्चे, डक्ट ऑफ बेलिनाई बोलते हैं इसको, डक्ट ऑफ बेलिनाई, ठीक है वो बोल देते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर के ओपन होंगे किसके अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर, और रीनल पेल्विस जो है वो ओपन हो जाएगा किसके अंदर, यूरेटर, ठीक है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है किसकी, एक किडनी की। बाकी इसके बारे में और भी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय। ओके थैंक यू सर, ठीक है। अच्छा तुम लोगों के इस बार के एग्जाम में मार्क्स जो है वो कम क्यों आए, मैंने एग्जाम मतलब पहले ही सबमिट कर दिया था। इस बार तो एक ही बच्चा है उसके अच्छे नंबर आए हैं, बाकी सब लोगों के तो बहुत कम नंबर आए हैं, 224 ही सेंटाइज दिख रहा था सर, नेटवर्क इशू था मेरा, तो मैं तो बहुत टाइम के बाद स्टार्ट किया।
बाकी बच्चों के भी कम नंबर क्यों आए, बहुत कम नंबर आए, है ना? देखना जो भी डाउट या कुछ क्वेश्चन रहे वो पूछना मुझे, ठीक है ना? चलो फिर कल कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। चलो बाय बाय। सर फॉर्म को कुछ बताओ ना, क्या क्या कुछ पता है फॉर्म को, कुछ फॉर्म का, फॉर्म का फॉर्म तो अभी तक तो आया नहीं है। हाँ भाई, हाँ अभी तो कुछ कुछ पता नहीं है, अभी तो ये कोरोना वाली सिचुएशन जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी ना तब तक ये ऐसे ही रहेगा। सर 12th का पेपर हो कब रहा है वैसे? सीबीएसई का उसके बाद ही होगा, जून में आएगा उसके बारे में। हाँ जून में आएगा उसके बारे में, देखो तो अगले 14-15 दिनों में पता पड़ेगा। अभी मुझे लग रहा है तुम्हारा एग्जाम जो है ना वो जून लास्ट जुलाई तक हो सकता है, जुलाई तक। सर अगस्त में था, अगस्त का डेट मिला था, मतलब मिला है। हाँ सर नीट के लिए ना। हाँ हाँ चलो अभी है टाइम, अभी है, करो पढ़ाई अच्छे से, आ जाएगा तब तक। चलो फिर मिलते हैं।